एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन वही है, सेम आपको यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है जैसे पिछले दो क्वेश्चन में आपने किया है, और यहाँ पर करना क्या है, आपको एक रॉम्बस बनाना है। तो रॉम्बस भी एक क्वाड्रिलेटरल ही होता है। इस रॉम्बस का नाम होगा BEND, या फिर आप बैंड भी बोल सकते हो। और यहाँ पर आपको सिर्फ दो पैरामीटर्स दिया हुआ है, BN जो कि 5.6 सेंटीमीटर का है, DE जो कि 6.5 सेंटीमीटर का है। तो पिछले चैप्टर में हम रॉम्बस के बारे में पढ़ चुके हैं, तो रॉम्बस के कुछ प्रॉपर्टीज को आपको रिकॉल करना पड़ेगा। मैं आपको अभी यहाँ पर बता दूंगा कि रॉम्बस के कौन से प्रॉपर्टी को आपको रिकॉल करना है, यानी कि याद करना है फिर से कि उसके कौन कौन से प्रॉपर्टीज थे। ठीक है, उसके वो चीज़ आपको याद आ जाएगा तो आप इजीली इसको ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको एक रॉम्बस बनाना है। ठीक है, जनरली अपन रॉम्बस को इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, रॉम्बस का एक प्रॉपर्टी होता है कि रॉम्बस के चारों साइड्स इक्वल लेंथ के होते हैं। ठीक है, एक स्क्वायर का भी जो चारों साइड्स होता है वो इक्वल लेंथ का होता है, तो स्क्वायर को अपन ऐसे ड्रॉ करते हैं। इससे थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए कि ये रॉम्बस है, क्योंकि दोनों के प्रॉपर्टी में थोड़ा सा फर्क होता है। ठीक है, तो इन दोनों को अलग अलग दिखाने के लिए स्क्वायर को ऐसा ड्रॉ किया जाता है और रॉम्बस को ऐसे ड्रॉ किया जाता है। तो इसको देख के समझ में आ जाता है कि अगर इसके चारों साइड्स इक्वल है तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक रॉम्बस है, और ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक स्क्वायर है। तो हमको यहाँ पर रॉम्बस ड्रॉ करना है, स्क्वायर को हटा देते हैं। ठीक है, अब इसका नाम दे देते हैं। नाम आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ, सपोज BEND। ठीक है, कहीं से भी आप नाम दे सकते हो, यहाँ से BEND दे दो, यहाँ से BEND दे दो, यहाँ से BEND दे दो, कैसा भी आप नाम दे सकते हो। जैसा आप नाम दोगे डायग्राम आपका वैसे ड्रॉ होगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सा मेजरमेंट दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर BN का लेंथ दिया हुआ है, BN 5.6 सेंटीमीटर, ये है BN। BN तो ये BN ड्रॉ हो गया 5.6 सेंटीमीटर का है, और उसके बाद DE दिया हुआ है। तो देखो ये ED है चाहे DE है, मतलब एक ही है, तो DE ये वाला दिया हुआ है, ये दिया है 6.5 सेंटीमीटर और ये था 5.6 सेंटीमीटर। अब यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान दो, आपको एक भी साइड का लेंथ नहीं पता है। इस रॉम्बस के चारों साइड्स इक्वल है, अगर आपको एक लेंथ भी पता हो तो आप चारों साइड्स को ड्रॉ कर सकते हो क्योंकि चारों साइड्स इक्वल होंगे। लेकिन यहां पर आपको एक भी साइड्स का लेंथ नहीं पता है, सिर्फ इसके जो दो डायगोनल है उन डायगोनल का लेंथ पता है, तो अपन डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो डायग्राम स्टार्ट करते हैं। तो आपको डायगोनल पता है, दो डायगोनल्स का लेंथ आपको पता है, दोनों डायगोनल में से जो भी डायगोनल जिसका भी लेंथ सबसे ज्यादा है, जिस डायगोनल का लेंथ, उसको आप बेस ले लो। तो DE 6.5 सेंटीमीटर है, 5.6 से बड़ा है, तो DE को बेस ले लेते हैं या फिर ED को बेस ले लेते हैं, जैसा भी आप चाहो। ठीक है, ये नाम मैं यहाँ से स्टार्ट किया हूँ इसलिए ED आ रहा है। आप यहाँ से स्टार्ट करोगे BEND ऐसा करोगे तो ये DE आएगा। ठीक है, कैसा भी आप नाम दे सकते हो। तो मैं ED ड्रॉ कर लेता हूँ पहले, ये ED ड्रॉ हो गया, ED लेंथ है इसका 6.5 सेंटीमीटर। तो पहला स्टेप क्या हो गया अपना, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 6.5 सेंटीमीटर, नेम इट ED। ठीक है, पहला स्टेप हो गया। जैसे जैसे आप डायग्राम ड्रॉ करते जाते हो, डायग्राम के नीचे आप उसका स्टेप्स भी लिखते जाना। स्टेप्स लिखना बहुत ज़रूरी है, याद रखना कि आपने कैसे कैसे डायग्राम ड्रॉ किया वो सामने वाला ज़रूर देखता है, क्योंकि जब एग्ज़ाम के टाइम पे आप कोई डायग्राम ड्रॉ करोगे तो टीचर स्केल पकड़ के या राउंडर पकड़ के नहीं बैठता है उसको मेजर करने के लिए। आपका जो स्टेप्स होता है कि आपने इस डायग्राम को बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिखा है, कौन कौन से स्टेप को आपने फॉलो किया है, वो स्टेप्स पढ़ के ही आपको मार्क्स देता है। ठीक है, तो अब देखो यहां पर ED का मेजरमेंट है। ठीक है, ये ED ड्रॉ हो गया, N जो है इस डायगोनल के नीचे कहीं पर बनेगा, B जो है डायगोनल के ऊपर कहीं पर बनेगा, लेकिन कहां बनेगा क्योंकि साइड्स का लेंथ तो हमको नहीं पता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको रॉम्बस का एक प्रॉपर्टी याद करना पड़ेगा। पहला प्रॉपर्टी तो ये था कि इसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं। रॉम्बस का एक दूसरा प्रॉपर्टी होता है कि इसके जो डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, पिछले चैप्टर पे अपन पढ़ चुके हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब जहां पर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इस डायगोनल का, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के चारों तरफ 90 डिग्री का मेजरमेंट बनता है। ठीक है, यानी कि ये एंगल भी 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री और ये एंगल भी 90 डिग्री का। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर हो गया, 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर हो गया। बाइसेक्टर कैसे, BN दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया और ED जो है ये भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। यानी कि ये सपोज अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है, ये O है, ठीक है, तो EO इज इक्वल टू OD हो जाएगा
और बी ओ इज इक्वल टू ओ एन हो जाएगा, ठीक है, वो हो गया बाइसेक्टर। तो एक रोम्बस के डायगोनल्स आपस में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, ठीक है। तो हमको ये पता चल गया कि ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, यानी कि इसके चारों तरफ 90 डिग्री का मेजरमेंट बनाएगा बनता है। तो आप राउंडर और पेंसिल के मदद से हम यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ध्यान से देखना, आपको क्या करना है, आपका जो राउंडर और पेंसिल है, राउंडर में पेंसिल को फंसा लो, विथ ई एज अ सेंटर एंड रेडियस मोर देन हाफ ऑफ ई डी, यानी कि ई डी का जो भी लेंथ है उससे थोड़ा सा, उससे उसके आधे से थोड़ा ज्यादा, आधा यहाँ कहीं होगा, आपको मेजर नहीं करना है। क्या करना है, यहां पर राउंडर प्लेस करना है, ये आपको अंदाजा लगाना है, यहां पर हाफ हो गया, इससे थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा लेना है, ठीक है। अब इस मेजरमेंट को आपको सेफ रखे रहना है, आपको हिलाना नहीं है, कम या ज्यादा नहीं करना है। ये जो भी मेजर आप कर चुके हो इससे ही आपको ऊपर में एक आर्क ड्रॉ करना है और नीचे में भी एक आर्क ड्रॉ करना है। तो यहां पर कहीं एक आर्क ड्रॉ हो गया, यहां पर एक आर्क ड्रॉ हो गया, ठीक है। तो आपका स्टेप क्या होगा, विथ ई एज अ सेंटर एंड रेडियस मोर देन हाफ ऑफ ई डी मेक एन आर्क अबव ई डी एंड अनदर आर्क बिलो ई डी, ठीक है। ऊपर में भी एक आर्क ड्रॉ करना है और नीचे में भी एक आर्क ड्रॉ कर देना है, ठीक। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उस जो मेजरमेंट आपका था उसको बिना डिस्टर्ब किए डी को आपको सेंटर लेना है और इससे आपको ऊपर वाले और नीचे वाले आर्क, दोनों आर्क को कट करना है। तो ये ऐसे और ऐसे कट हो जाएगा, ठीक है। स्टेप क्या होगा, विथ डी एज अ सेंटर एंड सेम रेडियस, ठीक है, विथ डी एज अ सेंटर एंड सेम रेडियस कट द अबव एंड बिलो आर्क, या फिर विथ डी एज अ सेंटर एंड सेम एंड विथ द सेम रेडियस मेक अनदर आर्क बिलो ई डी विच कट्स द आर्क एंड मेक अनदर आर्क बिलो ई डी अबव एंड बिलो, ठीक है। दोनों साइड आपको ड्रॉ करना है, अपने वर्ड्स में आप कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों आर्क का, ठीक है, यहां पर आप नाम दे सकते हो, देखो ई डी के नीचे एन है और ई डी के नीचे बी है, ठीक है। तो अभी आपको नाम नहीं देना है यहाँ पर, ठीक है, अभी एक स्टेप बाकी है। तो इसको यहाँ पर आप परपेंडिकुलर एक लाइन आप यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर लो, जॉइन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द आर्क, ये आपका नेक्स्ट स्टेप हो गया। इन दोनों देखो यहाँ पर ये एग्जैक्ट स्ट्रेट नहीं दिखेगा क्योंकि मैं प्रॉपर मेजरमेंट के साथ नहीं बना रहा हूँ, आप कॉपी में राउंडर से स्केल से और पेंसिल के साथ प्रॉपर मेजरमेंट से बनाओगे तो ये स्ट्रेट लाइंस बनेंगे, ठीक है। इसके चारों तरफ आपको 90 डिग्री का मेजरमेंट मिल जाएगा और ये प्रॉपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नजर आएगा। तो अब इस लाइन में, ठीक है, इस लाइन में कहीं पर बी है और कहीं पर एन है, बी कहां पर है और एन कहां पर है, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो रोम्बस का प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि उसके जो डायगोनल जो होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, ई डी है तो ये ई डी है, बी एन है तो इस लाइन में कहीं पर बी एन है, इस पॉइंट को हम बी एन नहीं बोल सकते, ठीक है, इस लाइन में कहीं पर बी एन है। अब वो बी एन कहाँ है ये फाइंड आउट करना है अपन को। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 90 डिग्री तो बन गया, बाइसेक्टर का मतलब यहां पर सपोज ये पॉइंट है ओ, ठीक है, तो ओ ई ओ ओ डी के इक्वल होगा, वैसे ही यहां पर जहां पर कहीं बी और एन होगा तो बी ओ एन के इक्वल होगा, ठीक है। तो अब लेंथ में आते हैं, 6.5 सेंटीमीटर का लेंथ है, तो 6.5 को अगर दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो आधा OE हो जाएगा आधा OD हो जाएगा। वैसे ही यहां पर 5.6 सेंटीमीटर का लेंथ है BN का, ठीक है, तो 5.6 को अगर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 2 1 2, यहां आ गया 2 2 4, डेसिमल का डेसिमल 1 आ गया 16, 2 8 16, यानी कि BO 2.8 सेंटीमीटर है और ON भी 2.8 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, विथ ओ एज अ सेंटर, यहां पर आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का नाम ओ दे देना है, विथ ओ एज अ सेंटर एंड रेडियस 2.8 सेंटीमीटर मेक एन आर्क ऑन द परपेंडिकुलर लाइन अबव ईडी एंड बिलो ईडी, ठीक है। अबव ईडी यानी कि ऊपर में कहीं पर, यहां पर बन जाएगा और उसी रेडियस से यहां पर भी बन जाएगा। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में इसका नाम हो जाएगा बी और इसका नाम हो जाएगा एन, ठीक है। अब लास्ट स्टेप, ज्वाइन बी ज्वाइन ई एन एन डी ज्वाइन बी ई बी डी, ये आपका ट्राइंगल या आपका क्वाड्रिलेटरल या रोम्बस कंप्लीट हो गया जिसका नाम बी ई एन डी है, ठीक है।
इस वीडियो को ध्यान से देखना, अगर पहले एक बार में समझ में नहीं आया तो दूसरे बार फिर से रिवर्स करके आप एक बार और देखना, क्योंकि कंफ्यूजन क्या होता है, जब परपेंडिकुलर हम लोग बनाते हैं, परपेंडिकुलर लाइन बनता है, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी को बी और एन नाम देके उसको ज्वाइन कर देते हैं, वो स्टेप गलत है। ठीक है, यहां पर जो डायगोनल है, डायगोनल ई डी और बी एन है, ये सिर्फ परपेंडिकुलर लाइन है। तो यहां पर इस परपेंडिकुलर लाइन में बी कहां पर है और एन कहां पर है, ये फाइंड आउट करने के लिए जो बी एन का मेजरमेंट दिया हुआ है उसको डिवाइडेड बाई टू करेंगे, क्योंकि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। ठीक है, ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, तो ऊपर जितना रहेगा नीचे भी उतना ही रहेगा। ठीक है, तो टू टोटल 5.6 है इसका डिस्टेंस, तो ऊपर भी 2.8 होगा, नीचे भी 2.8 होगा, तब 5.6 होगा। ठीक है, वो मेजर करके आपको आर्क ड्रॉ करके दोनों को ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो से आगे का पोर्शन देखेंगे।